हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है होली का दहन और मैं आ गई हूँ अपने घर पे, अपने मायके में, क्योंकि पहली होली ससुराल में सास के सपने नहीं देखते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने घर पे और अब हम जा रहे हैं होली की पूजा करने के लिए एंड उसके बाद में होली का दहन देखेंगे। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कल के लिए, मतलब डुलंडी के लिए। मैं कभी नहीं खेलती हूँ होली, बट शादी के बाद में मेरी पहली होली है तो मैं थोड़ी सी खेलना चाहती हूँ अपने पति के साथ में। सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो। और कल देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है। आज का दिन ठीक ठाक निकला तो फिलहाल तो हम चलते हैं जल्दी सी होली का दहन देखने के लिए। यहाँ पर सब होली की पूजा कर रहे हैं पहले, उसके बाद में होली की परिक्रमा होगी जैसे कि ये हो रही है। उसके बाद में हमने करवाया एक छोटा सा फ़ोटो शूट, ये युतिका है मस्त रंगोली के पास में फ़ोटो शूट करवा रही है। और ये मेरे चाचा हैं जो होली मंगला रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे ये प्रहलाद स्वरूप पेड़ है जिसे होली मंगलाने के बाद में निकाला गया है। ये सारी महिलाएं हैं हमारी कॉलोनी की जो उसमें क्या कहते हैं उसको, पानी डाल रही हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ये हमारे घर की लेडीज हैं जो होली के बाद, मतलब होली का दहन के बाद में थोड़े बहुत गीत जो होते हैं हमारे वो हो रहे हैं। अ वेरी हैप्पी होली टू एवरीबडी। सो आज है डुलंडी, पर उससे पहले आज से गणगौर भी शुरू हो रही है। सो हमारे यहाँ पे राजस्थान में लड़की की पहली गणगौर जो होती है उस वो पूरे 16 दिन तक उसको पूजती है। सो मैं अभी अपने घर इसीलिए आई हूँ ताकि मैं पूरे 16 दिन गणगौर पूज लूँ। सो आज उसका फर्स्ट डे है। सो सबसे पहले हमको गणगौर पूजने जाना है, उसके बाद हम होली खेलेंगे। लाइक होली खेलने का प्रोग्राम तो दोपहर का है। सो फिलहाल तो मैं अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी निकाल रही हूँ। सो मैं अपनी शादी की साड़ी निकाल रही हूँ, नॉट शादी की बट या फेरों की, जो मैंने फेरों में पहनी थी। फिलहाल तो मुझे नहा धो के तैयार होना है और जल्दी से पूजा के लिए जाना है। सो जल्दी जल्दी से सारे काम कर लेते हैं, चलो। नहीं नहीं, गीली कर रही मुझे, थोड़ा सा ही लगाना, मेरे को भी पूजा करने जाना है। दोपहर में खेलेंगे फिर, अच्छा आएंगे। तीन गाड़ी लगवा लो, जगह तो नहीं है। आप बिंदी लगवा लो, जगह तो नहीं है। बिंदी लगाऊं तेरे, दिखाओ 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 थोड़ी सी, बस और ये आ गए हम फाइनली पूजा के लिए। बेसिकली ये 16 पिंडियां हैं जो होली का दहन के बाद में जो होली की राख होती है उससे बनाए गए हैं। सो 16 दिन तक हम इनकी पूजा करेंगे। सो गणगौर की पूरी पूजा के बाद में सूरज देवता को हम अर्घ देते हैं और सारे बड़े लोगों का आशीर्वाद देते हैं। सो आज की पूजा डन, अब खाना वाना खा लेंगे कुछ थोड़ा बहुत, उसके बाद में मैं कपड़े चेंज कर लूँगी, उसके बाद में ये आएंगे और हम खेलेंगे होली। वैसे सुबह से मैं थोड़ी बहुत होली खेल चुकी हूँ अपने भाई बहनों के साथ में, नॉट बहनें बट भाभीियों के साथ में, बट थोड़ी सी और खेल लेंगे। तो आज का तो पूरा दिन मुझे लग रहा है होली खेलने में ही चला जाएगा। एनी वेज फिलहाल तो मैं चेंज कर लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है। नीचे सही है ऐसे चालू करूं क्या? चालू अच्छा डर गई आपने मेरे आपका आपका
नहीं ऐसे फेंके मुंह में जाएगा ऐसे। सो कुछ ऐसा गया मेरा आज का दिन। थोड़ी सी छोटे छोटे पीसेज और टुकड़ों में मैंने आज होली खेली, बट सबके साथ खेली करीब करीब। एंड उसके बाद हमारे घर पे फाग थे, तो फाग भी अटेंड किए और वो भी इन्जॉय किए। का होली का दिन कैसा गया मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। सो यही था आज के वीडियो के लिए, मिलती मैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलती मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय।